Hi friends, I'm Chandrali from Women's Era magazine, and today we have on our show the famous Monica BEDI with us. ये ग्रे कैरेक्टर है एंड आई थॉट पीपल विल हेट मी आई थॉरली एंजॉयड माई जर्नी अभी हो गया आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट इट शुड एक्साइट मी हेलो मैम वेलकम ऑन आवर शो प्लेजर बीइंग हियर अच्छा आप अभी दिल्ली में आई हुई है शेयर सम एक्सपीरियंसेस कैसा लग रहा है आपको दिल्ली में आके पता नहीं दिल्ली आके ऐसा लगता है बस चाट खाने चले जाओ काम बाद में करेंगे यू नो मस्ती के मूड में आ जाती हूँ मुझे क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ की चाट और यहाँ के ये सब चीज़ें बहुत फेमस है एनी फूड बहुत टेस्टी होता है सो हाउ यू मैनेज योर वर्कआउट रूटीन व्हेन यू आर आउट फॉर अ शो शो में तो ट्रैवलिंग इतनी हो जाती है और उसी में आपकी एनर्जी काफ़ी आपका कार्डियो वैसे ही हो जाता है बट आई टेल यू इफ यू वर्कआउट मिनिमम एटलीस्ट 4 days a week, that's sufficient. That's more than enough. But the other days, of course, you can't eat junk every day. You have to eat healthy food and, you know. मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप Big Boss में भी आई थीं. तो आपका experience उस दौरान कैसा था? I thoroughly enjoyed my journey in Big Boss. I think that was something very memorable, very, very special. Because वो show अपने आप में बहुत unique है. And such experience, it was quite challenging कि आप, you know, 13 लोगों के साथ अननोन लोगों के साथ जो अलग अलग फील्ड से हैं इन आ सीज़न नॉन सेलिब्रिटीज़ भी काफ़ी थे फ्रॉम डिफरेंट फील्ड सो इट वॉज काइंड ऑफ अ चैलेंज टू लिव विद यू नो पीपल हु आर कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड डिफरेंट प्रोफेशन डिफरेंट एज ग्रुप एंड हाउ डू यू कोप अप विद देम एंड आई रियली एंजॉयड आई थिंक इट वॉज अ फन एक्सपीरियंस एंड आई वॉज द ओनली लकीस्ट वन जिसका किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ वुड यू लाइक टू डू एनी रियलिटी शो इन फ्यूचर सी आफ्टर बिग बॉस आई थिंक डिड झलक दिखला जा देन आई डिड देसी गर्ल सो आई थिंक बचा क्या है मे बी खतरों के खिलाड़ी बचा है जो यू नो अच्छे शोज में जो एक आता है मुझे थोड़ा सा ना वो चूहे छोड़ देते हैं या कॉकरोच छोड़ देते हैं मुझे उन चीज़ों से थोड़ा डर लगता है As I know, like you are from Punjab, you are Punjabi desi girl. So, are you willing to do any Punjabi movies or somewhere down the line in future you want to do? I've done 2 Punjabi films. See, I was born in Punjab. I am Punjabi, but I was raised in Norway. So, You have got both the cultures. Exactly. We love to dance. We love to, you know. वैसे भी पंजाबियों में थोड़ी नेचर होती है थोड़ा हंसी मजाक करना थोड़े जॉली टाइप के होते हैं सो जैसा कि आपको लोगों ने टीवी सीरियल्स में भी देखा है सरस्वती चंद्र में आप आई हैं तो आपको कैसा फील होता है कि नेगेटिव कैरेक्टर था आपका उसमें पीपल यूज टू कॉल यू वैम्प इन फैक्ट तो आपको मतलब हाउ यू थिंक व्हाट यू थिंक कि आपने गलत किया ये नेगेटिव कैरेक्टर चूज करके और यू आर फाइन इनफ कि कोई भी कैरेक्टर्स आई एम रेडी टू डू दैट इज व्हाट इज एक्टिंग दैट्स इट यू नो सरस्वती चंद्र व्हेन इट वाज ऑफर्ड टू मी आई गॉट अ कॉल फ्रॉम संजय लीला बंसाली जी का शो था ये और मुझे उनके ऑफिस से कॉल आई कि संजय जी वुड लाइक टू मीट यू एंड ही इज़ मेकिंग अ न्यू शो सो आई वेंट टू मीट हिम एंड द मोमेंट ही सेड कि ये ग्रे कैरेक्टर है एंड थोड़ा सा मुझे कैरेक्टर के बारे में बताया ना वॉज लाइक नहीं सर मैंने कभी भी नेगेटिव कैरेक्टर नहीं किया आई डोंट थिंक दैट्स द राइट थिंग आई शुड स्टार्ट यू नो आफ्टर अ गैप आई शुड गेट इन टू दिस एंड पता नहीं ऑडियंस कैसे एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी आई हैड लॉट ऑफ हेजिटेशंस एंड आई रिमेंबर ही सेड दैट मोनिका जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस एंड यू विल नॉट रिग्रेट इट एंड आई प्रॉमिस यू दैट जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दैट आई डोंट नो समहाउ आई फेल्ट दैट यू नो दिस मैन एंड आई हैव बीन अ ह्यूज संजय लीला बंसाली फैन ह्यूज मीन्स अ ह्यूज आई जस्ट अडोर आई काइंड ऑफ मूवीज ही मेक्स एंड आई नो दैट कि उनकी फिल्मों में छोटे से छोटा कैरेक्टर भी स्टैंड आउट होता है छोटा से छोटे छोटे कैरेक्टर को भी वो किस तरह से उसको निकाह हाँ और लेडीज़ को वो किस तरह से उनकी एक ब्यूटी जैसे यश जी कैसे अपनी हीरोइंस को ब्यूटी एंड आई सेड सर व्हाई डू यू वांट मी इन दिस कैरेक्टर बिकॉज ही सेड बिकॉज आई वांट माई विलन ऑफ द शो टू बी इवन प्रीटियर देन यू नो हीरोइंस आई वांट You know, I want to
चेंज दैट कि विलन का ही फेस होना चाहिए, अगर कोई नेगेटिव है तो वो दूर से दिख रहा है या फेस से दिख रहा है या कपड़े बहुत लाउड हैं तो पता चल रहा है कि शी इज़ द विलन ऑफ द शो. आई वॉन्ट टू चेंज दैट, सो दैट्स वाई आई वॉन्ट यू, बिकॉज यू हैव अ वेरी सॉफ्ट फेस, वेरी सॉफ्ट वॉइस. आई वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट अ न्यू थिंग एंड आई एम वेरी श्योर इट विल वर्क. एंड I somewhere felt that, you know, कि वो बोल रहे हैं तो ये उनके दिमाग में कुछ होगा. And he was right as well, like you are pretty and beautiful. I was absolutely right. I thought people will hate me because the kind of character जो मुझे दिया गया था, she was negative. I thought people will hate me. मेरा तो पूरा ही pack up होने वाला है. And the amount of love I got from audience and you know, it was a right move. Yeah, you have been recognized from even. I think audience has also changed. Now they understand कि this is acting. This is about art. This is about, you know. So this is performance, this is not who you are. So I think that's the difference. The audience has become more intelligent and more. So after Saraswati Chandra, have you got any other offer from Sanjay Leela Bhansali? Not from Sanjay ji, but I keep on getting lot of character which are similar to this character, and that's okay. What I'm not really you don't want to get into that again. No, it's not about that ki I'm scared to do such character, but I think it will be abhi ho gaya hai. I want to do something different. This is Saraswati Chandra was something different for me. It was challenging, the first time I'm doing a different character from mm-hmm. what I've done in my other movies. So if I get, I'm looking for something different now, so it should excite me. So whenever I get, I'm absolutely ready and would love to do movies. And what are your plans for marriage? I'm just waiting for the right, jaise ki I'm waiting for the right role, I'm waiting for the right guy also. I think har cheez ka ek waqt hota hai and waqt pe apne aap hi cheeze hone lag jati hain. So I'm open to it. So whenever I get my prince charming. So at present you are not currently dating anyone? No. Yes, right. You're single. No. I'm single, ready to mingle. So viewers, before wrapping up the show, let me ask Monica Bedi few tips about her this glowing beauty. I'm blushing now. But you have to give some tips. Beauty tips? You know, I know I might sound a little typical and you know, but I really believe that beauty is, it's within you. So if you're a positive person, it will reflect you, you know. So I think it's very important to stay positive in life. Doing stuff like yoga, stretching, meditation to calm you down, such thing really works on your skin. Then as I said, healthy food is very important. I don't take deep fried food. I don't take maida. I don't take sugar. Sugar is very bad for your skin. So such cares I take. Healthy khana, ghar ka khana maximum. These things works. Another thing, I'm not a very big fan of makeup. I'm in this profession where I need to put on a lot of makeup. But apart from this, if I'm not really working, I don't put on much makeup. So I let my skin breathe. So these things works. Thank you so much. So here we are going to wrap up the show. Stay tuned with us and stay happy.